हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ ले और पहनो सही साथी बने। यूपी के बुलंदशहर के अगौता थाने में अजीबोगरीब चोरी की वारदात होने का मामला प्रकाश में आया है। अगौता थाने से 29 साल पहले हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे की केस डायरी, चार्जशीट और केस पत्रावली चोरी हो गई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने थाने में पत्रावली चोरी होने का अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल 1991 में अगौता थाना क्षेत्र में जमालपुर में रहने वाले धर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मुकदमे की पैरवी मृतक का दोस्त चौधरी गजेंद्र सिंह कर रहे हैं। अगौता थाना पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोर्ट में कोई चार्जशीट पेश नहीं की थी, जिसकी वजह से अदालत में मुकदमा भी आगे नहीं चल पा रहा था। अगौता थाना पुलिस ने मुकदमे से संबंधित चार्जशीट, केस डायरी व पत्रावली चोरी होने पर थाना अगौता में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की जांच सीओ सिकंदराबाद को सौंप दी गई है। ये दरअसल अगौता थाने में 1991 में एक हत्या का मुकदमा कायम हुआ था, उसकी विवेचना हुई थी और उसमें चार्जशीट लगाना बताया गया था, लेकिन जब थाना अभिलेख और क्षेत्राधिकारी संबंधित कार्यालय के अभिलेखों का परिशीलन किया गया, सीजीएम साहब के यहाँ परिशीलन किया गया, तो वो अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं, केवल FIR की फोटोकॉपी प्राप्त हुई है। उस संबंध में SI लोकेंद्र दत्त शर्मा के द्वारा 409, 406 और 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस की माने तो मामले के दस्तावेज सीओ कार्यालय व ACJM कोर्ट में भी खंगाले गए, लेकिन नहीं मिले। थाने में चोरी होने के बाद अब पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर से Time 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ ले और पहनो सही साथी बने।